नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल VIB हुसैन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का कार्य बता दें दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन का कार्य है कि किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए शब्द को या दोस्तों सेंटेंस को बड़े ही आसानी से वो दोस्तों चेंज कर देगा। दोस्तों वो हिंदी में आप चेंज करके आप दे देगा, आप उसे हिंदी में आप बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है, हमें इंग्लिश में लिखा के कोई मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तब हमें समझ में नहीं आता कि इसने क्या लिखा है, तो अब उसे बड़ी ही आसानी से एक क्लिक करके उसे सेंटेंस में को चेंज कर सकता है दोस्तों हिंदी में, बड़ी आसानी से उसे हिंदी में आप रीड कर पाएंगे। और दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम कोई ब्राउजर फीचर में हम लोग कहीं हम रीड कर रहे हैं कोई चीज, तो कोई उसमें सेंटेंस इंग्लिश में लिख करके आ गया दोस्तों, तो अब समझ में नहीं आता कि दोस्तों ये क्या लिखा है, तो उसे दोस्तों एक क्लिक करके बड़े ही आसानी से उस सेंटेंस को हिंदी में आप ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसने क्या लिखा गया है, इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, जो कि बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग ऐप है और बहुत ही कमाल का ऐप है दोस्तों। तो कैसे यूज करना है दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहे, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताएंगे कि कैसे यूज करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंग्लिश में लिखे हुए कोई भी सेंटेंस को हिंदी में बदलने के लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि प्ले स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध है, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जिस तरीके से आप इंटरफेस देख रहे हैं ऐसा इंटरफेस के सामने आएगा आपके सामने। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि ये बहुत सारे भाषा को ये सपोर्ट करता है, जिसमें से एक भाषा है दोस्तों हिंदी, ये हिंदी को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस के सामने आएगा, तो उसमें आपको बता दें दोस्तों अगर आप कोई आपके सामने मैसेज कोई आया है इंग्लिश में लिख करके, अब उसको आप समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा गया है, तो उसे आप हिंदी में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसा देखें इंग्लिश टू हिंदी आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी में तो आप लिख दिए, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका इंग्लिश क्या होगा, तो उस पर दोस्तों आप क्लिक करते हैं दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में वो ट्रांसलेट हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप उसे अब सेंड कर सकते हैं या लिख करके टाइपिंग करके अब उसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे करना है। मान लीजिए आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है, तो ये इस यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी कर लेना है, हिंदी उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश। अब हो गया दोस्तों हिंदी में लिखे शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ना है या भेजना है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आ गई दोस्तों, आपको इंग्लिश से हिंदी करना है, तो आपको यहाँ आना है, यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ इंग्लिश कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, सेकेंड में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर यह होगा कि अब इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ सेटिंग और है दोस्तों, जिसे आप सेटिंग करने के बाद दोस्तों और भी ये दोस्तों इंटरेस्टिंग ऐप बन सकता है, जो कि आप देख सकते हैं जहाँ जिस पेज पर आप काम कर रहे हो वहीं से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे तो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि कॉर्नर में एक दिखाई दे रहा है दोस्तों एक आदमी का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस को के सामने आएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों देखेंगे तो एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस को के सामने आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैजिक ट्रांसलेट और दूसरा दिखाई दे रहा है दोस्तों कॉपी टू ट्रांसलेट। तो दोस्तों मैजिक ट्रांसलेट ये है कि आप जहाँ जिस पेज पर भी आप मतलब रीड कर रहे हैं काम कर रहे हैं वहीं पर दोस्तों वहाँ से वहीं से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और दोस्तों कॉपी ट्रांसलेट ये हो गया कि किसी भी चीज़ को आप कॉपी करके उसे, मान लीजिए किसी पेज को आपने कॉपी करके उसे ट्रांसलेट करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको क्या कैसे सेटिंग करना है। तो आपको क्या करना है मैजिक ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों दिखाई दे रहा है इस तरीके से इंटरफेस को के सामने आएगा, यहाँ देख रहे हैं दोस्तों पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनेबल मैजिक ट्रांसलेट, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर रहे देखेंगे दोस्तों तो एक पॉपअप शो हो रहा है दोस्तों, देखिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ फिर से इनेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पर पॉपअप शो हो रहा है दोस्तों। इसे ये फ़ायदा होगा कि आप जिस भी पेज पे हैं वहाँ इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कैसे इसे
यूज करना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए ये पॉपअप को इसे खींच के सामने लाना है, इस पर छोड़ देना है। देखिए दोस्तों जादू अनुवाद समक्ष करें, इससे दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा गया था, इसे हिंदी में ये ट्रांसलेट कर दिया। फिर दोस्तों आप चलिए दिखाते हैं आपको इसको क्या होगा। इस यहाँ पर करना है आपको, देखिए दोस्तों जिस भाषा का आप अक्सर अनुवाद करते हैं, देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसानी से ये ट्रांसलेट कर देगा। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं अब व्हाट्सएप के बारे में, कोई मैसेज भेजा तो उसे कैसे ट्रांसलेट करना उसे भी आपको दिखा देना। तो यहाँ से आपको जाना है बैक, बैक जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने जिस जहाँ से भी मैसेज आए उसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा ये एक फ्रेंड है जो कि मेरे को मैसेज भेजा है, अब मान लीजिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा गया है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा इस पॉपअप को यहाँ पर लाऊँगा, लाने के बाद दोस्तों यह कुछ सेकेंड छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद दोस्तों देखिए ये पूरा का पूरा दोस्तों ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो कि आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार और करके दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर हिंदी में ये सेंटेंस चेंज हो गया दोस्तों, जो कि देख रहे हैं हिंदी में ये बदल गया। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, मान लीजिए आप किसी गूगल के क्रोम ब्राउजर में कहीं पर भी आप कहीं रीड हो रहे हैं दोस्तों, कहीं पर भी आप कुछ पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या मान लीजिए न्यूज आया है, न्यूज को आप समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा गया है, इसे हिंदी में आप पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर पॉपअप को खींच कर लाना है, लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये देखिए बड़ी आसानी से ये ट्रांसलेट कर दिया दोस्तों, ये हिंदी में बदल दिया दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये ऐप है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है यू डिक्शनरी, यू डिक्शनरी को इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया तो मैं इसे कर लेता हूँ ओपन, ओपन करने के बाद दोस्तों देखेंगे तो कुछ टाइम लगेगा, तो दोस्तों ये देखिए कुछ एक ऐड आ गया, तो मैं स्किप करता हूँ, इस तरीके से इस पेज पर आ जाएंगे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आप इसे इंस्टॉल करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।